नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गल्फ इंडियंस 2.0 में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरबिया की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। जो भी भाई लोग सऊदी अरब में टैक्सी चला रहे हैं उनके लिए खास अपडेट है, और जो भी भाई सऊदी अरब से डिपोर्ट होकर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं भी गए हैं जेल से होकर, उनके लिए भी खास अपडेट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सऊदी डिपोर्ट के बारे में। जो भाई लोग यहाँ काम कर रहे हैं तो वो सोचते हैं कि क्या हम सऊदी डिपोर्ट से जेल के जरिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हम जा सकते हैं। और कुछ भाई लोग का सवाल ये रहता है कि हम एक बार डिपोर्ट होके चले गए थे तो 5 साल तो उनका बैन था, कंपनी किसी भी कारणवश कंपनी या कपिल से उनका नहीं बना तो वो डिपोर्ट होकर जेल के जरिए चले गए, तो 5 साल का उनका बैन था। उसके बाद फिर 5 साल का हुरू फट गया, उसके बाद आए काम करने लगे। फिर अब वो सोच रहे हैं कि क्या हम फिर दोबारा से डिपोर्ट होकर जेल के जरिए इंडिया जा सकते हैं। तो उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ, जो लोग पहली बार डिपोर्ट होकर जेल के जरिए जाएंगे तो वो तो उनका तो 3 साल का तो प्रेजेंट टाइम में 3 साल का बैन लग जाएगा। उसके बाद फिर वो वापस आएंगे तो ठीक है, और जो लोग फर्स्ट टाइम डिपोर्ट होकर चले गए हैं, सेकेंड टाइम वो आए हैं 5 साल का बैन हटने के बाद सेकेंड टाइम पर काम करने आए हैं, अगर वो दोबारा डिपोर्ट होकर जेल के जरिए जाते हैं तो उनके लिए वर्क एंट्री वीज़ा लाइफ टाइम के लिए बंद कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप मुस्लिम हैं तो हज और उम्रा के लिए आप आ सकते हैं, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपके लिए लाइफ टाइम एंट्री बंद कर दी जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें, जेल जाने का मतलब है कि आप खिलाफ फर्जी होगा तभी आप जेल जाएंगे। तो अगर आपका हुरूप लगा हुआ है, आप बाहर भागे हुए हैं, कफिल से हुरूप लग गया है, बाहर काम कर रहे हैं तो आप जेल से जाना चाहते हैं, तो भाई जेल से मत जाइए, पहले आप इंडियन एम्बेसी से संपर्क करिए, वहाँ से आपका हुरूप रिमूव हो जाएगा तहवील के जरिए। कुछ भाइयों का ये भी सवाल है कि वो सऊदी से छुट्टी गए थे इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश, तो उनका इकामा जो है एक्सपायर हो चुका है, तो उनका सवाल है क्या हम दोबारा सऊदी आ सकते हैं। तो भाई ऐसा नहीं आ सकते हैं, आप अपनी कंपनी या कपिल से बोल के अपना पहले इकामा रिन्यू करवाइए, जो भी पैसा है उनको दीजिए। अगर आपका कंपनी या कपिल आपका इकामा रिन्यू नहीं कर रहे तो आप 3 साल तक के लिए बैन कर दिए जाएंगे। और अगर आप अपने मुल्क पहुंच गए हैं, आप चाहते हैं वहां से कि फाइनल एग्जिट भी लग जाए तो फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा। फाइनल एग्जिट लगाने के लिए आपको सऊदी अरब में प्रेजेंट टाइम में मौजूद होना चाहिए और इकामा भी वैलिड होना चाहिए। अगर आप एक बार मूव कर गए सऊदी अरब से तो आपका फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा। और सऊदी अरब का सारा वीज़ा चालू हो चुका है, अगर आप लोग में से कोई आना चाहता है तो आप अपने नज़दीकी ऑफिस में जो भी भेजता हो बाहर, जो भी एजेंट हो उसे संपर्क कीजिए। और भाई अगर खासकर ये बात, अगर कोई ड्राइविंग में आना चाह रहा है तो खासकर ये ध्यान रखें कि 1500 प्लस में ही आए, 1500 से नीचे ना आए, क्योंकि इधर भी महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और फ़ायदा कुछ है नहीं। तो आप लोग जो भी आए तो 1500 से नीचे ना आए, 1500 प्लस में आए, 1500 प्लस रूम, ठीक है। दूसरी न्यूज़ ये है, जो भाई लोग सऊदी अरब में टैक्सी चला रहे हैं उनके लिए ये गुड न्यूज़ है, जो भाई लोग सऊदी अरब में सफ़र कर रहे हैं टैक्सी से उनके लिए ये बैड न्यूज़ है। टैक्सी वालों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि जो पहले मिनिमम भाड़ा 5 रियाल लगता था, अभी उसको बढ़ाकर 10 रियाल कर दिया गया है, यानी पहले पर किलोमीटर 1 रियाल 80 पैसे लगता था, अभी वो बढ़ाकर 2 रियाल 10 पैसे कर दिया गया है, यानी 16.5% प्लस इजाफा कर दिया गया है। तो जो लोग भाई टैक्सी चला रहे हैं उनके लिए तो बढ़िया है, जो लोग सफ़र करना चाहते हैं तो उनके लिए बैड है। यानी पहले हम लोग जैसे अगर कोई एयरपोर्ट जाता था, पहले अगर भाड़ा 100 रियाल पड़ता था तो अभी वो 120 प्लस पड़ेगा, तो उन लोगों के लिए तो भाई बैड न्यूज़ है।